हम लोग यहाँ पे डॉक्टर खालिद उस्मान साहब ने मुझे यहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेस है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एज अ गेस्ट स्पीकर इन्विटेशन दिया था। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं मुझे मियाँ साहब ने कहा कि आप जा के रिप्रेजेंट करें PMLN को उधर। तो मैं सोच रही थी कि शायद आजकल जितनी टेंशन है बिटवीन US एंड पाकिस्तान, डेफिनेटली पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेस एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें हम बात करें और आके अपनी जो पाकिस्तानी कौम की जो आवाज़ है उसको हम रख सकें। एक बहुत अच्छा यकीनन मौका मिला वहाँ पे काफ़ी सेनेटर्स कांग्रेस में आए जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है। इट वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू सी ऑल ऑफ देम सो कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तान, wanting to sympathetic towards whatever is happening there and wanting to find solutions to the challenges that that this relationship is under at a constraint at the moment. Aur aaj ki surat hal hai jisme drones attack bawajood parliament ke 3 resolutions ke wo drones jo hain wo ignore mein hain jisme shayad 2 ya 3 darjan ya kuch bahut chhota number hai jo targeted log hain jinke liye wo drones aate hain, लेकिन जो बाय एंड लार्ज जो इस वक्त 30,000 से ऊपर मासूम लोगों की जाने गई हैं, तो उसका जो पाकिस्तानी कौम इस वक्त ये सारा हिसाब हमसे मांगती है और हम ये सवाल उठाते हैं कि आप लोग पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जो रेजोल्यूशंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। कुछ आपने सुन भी लिया होगा वहाँ पे मिक्स सा व्यू था। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो बातें कर रही है या जो इस वक्त डॉक्टर शकील अफरीदी के ऊपर जजमेंट है और उसके ऊपर क्यों स्ट्रक्चर्स लगे हैं, या ये कि अगर उसने इन्फॉर्मेशन दी थी एक टारगेट के हवाले से तो क्यों ऐसा है कि उसको सज़ा मिली है, तो उनको ये मैसेज हमने दिया कि देखिए अगर आपका कोई बाशिंदा हमारा कोई बाशिंदा आके अमेरिका में ऐसी कोई बात करे या जिस तरह डायरेक्टली स्टेट के साथ बात करे तो आप उसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे, आपका रिएक्शन हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इसी तरह जब से रेमंड डेविस का वाकया हुआ है आप यकीन कीजिए कि एवर सिंस ही हैज़ लेफ्ट पाकिस्तान लाहौर में धमाके नहीं हुए। आपको मालूम है कि लाहौर में एक सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक से ये धमाके हमारे घरों में आ गए। तो यकीनन हम ये सवाल उठाते हैं कि ये क्या ये कोइंसिडेंसेस हैं या कोई बाय डिज़ाइन ये सारी एक एक्टिविटी हो रही है, जिसके ऊपर हम यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं थ्रू आवर रेजोल्यूशंस कि आप हमसे डायलॉग करें, बिकॉज एक डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन दूसरी डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन से सिर्फ डायलॉग के जरिए ही अपनी बात जो है वो उसको रिजॉल्व करें तो बेहतर तरीक़ेकार है। ये मैसेज गया है उनको। मियां नवाज शरीफ बिल्कुल डायलॉग में बिलीव करते हैं, कट ऑफ नहीं होना चाहिए हमें अपनी ड्रोन हमलों का तो फौरन फोर्थविथ उसका खात्मा होना चाहिए। और नेटो सप्लाई लाइन्स के हवाले से भी जो आपने देखा, आपने रेजोल्यूशन देखा होगा हमारा जो भी लिखा है इसमें कि एमिनेशन और किसी भी किस्म का जो कोई भी असलहा जो है उसकी उसके लिए इस मैसेज को यूज़ नहीं किया जाना चाहिए किसी सूरत, चाहे वो बाय एयर हो चाहे वो थ्रू रोड।